नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सीधे किसानों से होगी खरीदी, 114 लाख हेक्टेयर में हुई बोनी। सोयाबीन में अफलन पर नियंत्रण, अगेती फूल एवं पत्ता गोभी लगाएं और भरपूर उत्पादन देगी रामतिल। और अब खबरें विस्तार से। सरकार पहली बार इस साल किसानों से तिलहन और दलहन की सीधी खरीद करेगी। इसका उद्देश्य देश में इनका उत्पादन बढ़ाना है। इससे आयात बिल में भी कमी आएगी, जो फिलहाल बढ़कर करीब 76,692 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब तक सरकार FCI जैसी सरकारी एजेंसियों के जरिए किसानों से सिर्फ अनाज और कपास की खरीद करती रही है। भारत दुनिया में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में देश इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने उचित मूल्य और गारंटेड खरीद जैसे उपाय सुझाए हैं। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की बुवाई लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 91% पूरी हो गई है। 114 लाख 32 हजार हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जबकि लक्ष्य 125 लाख 92 हजार हेक्टेयर रखा गया है। राज्य में हाल में हुई बारिश ने प्रमुख फसल सोयाबीन उत्पादक किसानों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं की उम्मीद एक बार फिर जगा दी है। राज्य में सोयाबीन का रकबा निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच गया है। प्रदेश के संचालक कृषि ने बताया कि खरीफ फसलों की बुवाई ठीक चल रही है। सोयाबीन सहित तिलहनी फसलों का बुवाई लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है। इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कुल लक्ष्य भी पूरा होगा, क्योंकि अभी धान की लगभग 6 लाख हेक्टेयर में बुवाई शेष है, जो तेजी से चल रही है। सोयाबीन में अफलन का कारण एक कीट का प्रकोप होता है। पलक झपकते ही यह कीट गायब भी हो जाता है और भारी हानि पहुंचाता है। इसके मुख्य लक्षण हैं फली का नहीं बनना और विलुप्त हो जाना। ढेरों फलियां गुच्छा बनकर रह जाती हैं तथा फलियां मोटी पत्ती जैसे बन जाती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि विषाणु का प्रकोप है, परंतु यह कीट का ही प्रकोप पाया गया है। इसके नियंत्रण के लिए ध्यान रखें कि ऐसे क्षेत्र जहां हर साल कीट आता है, सोयाबीन नहीं लगाएं। बाहरी कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 EC की 1.5 लीटर मात्रा अथवा ट्रायजोफास 40 EC की 800 मिलीलीटर या मिथोमिल 12.5 ml 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुवाई के 19 से 20 दिन बाद, दूसरा छिड़काव बोनी के 28 से 30 दिन बाद करें तथा 800 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें। पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, मूली की सब्जियां आज भी बाजार में उपलब्ध हैं। प्रदेश के किसान भाई भी अगेती खेती में इसकी काश्त करना चाहते हैं तो यह तकनीक अपना सकते हैं। पत्ता गोभी की किस्म गोल्डन एंकर तथा पूसा मुक्ता, फूल गोभी की पूसा सिंथेटिक, पूसा सुभद्रा तथा पूसा हिमज्योति, गाजर की पूसा केसर तथा पूसा मेघाली तथा मूली की पूसा देसी किस्म लगाई जा सकती है। इनकी नर्सरी अगस्त में लगाई जा सकती है। रामतिल एक ऐसी फसल है जिसे कम उपजाऊ जमीन में भी लगाया जा सकता है। इसके लिए गहरी एवं उथली जुताई कर पाटा चलाकर खेत तैयार करें। गोबर खाद उपलब्ध होने पर 12 से 15 गाड़ी प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। दीमक से बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास 1.5% चूर्ण 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मिलाएं। फसल की बुवाई अगस्त के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। IGP 76, GA 10, देवमाली, JNS 1, JNS 6 किस्मों की बुवाई कतारों में करने पर 5 किलो प्रति हेक्टेयर व छिड़काव पद्धति से 7 किलो प्रति हेक्टेयर बीज उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भावों पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
दर्शकों, आज का ये हमारा कार्यक्रम सजीव कार्यक्रम है और सीधे आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे जो विषय विशेषज्ञ है डॉक्टर उदय बड़ेगांवकर, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग भोपाल से हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। आज का विषय आप बिल्कुल ध्यान रखें, खासतौर से आज हमने जो विषय रखा है उन्नत कृषि यंत्रों की उपयोगिता, इस विषय पर आपके जो भी सवाल है डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों जी। डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर साहब, आज हमने जो उन्नत कृषि यंत्रों के संबंध में जो चर्चा रखी, बातचीत रखी, हमारे किसान भाई भी जो है इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो उन्नत कृषि यंत्रों की उपयोगिता है, तो इसकी क्या खास तौर से हमारे किसान भाइयों के लिए उपयोगिता है? कृषि यंत्रों की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दरअसल हम ट्रैक्टर्स वगैरह का सेल भी देखें और ओवरऑल जो मशीनों का उपयोग भी कृषि में देखें तो अपने आप बढ़ते जा रहा है। एक ज़माना था जब कृषि में मशीनों का उपयोग ये माना जाता था कि शायद इससे कृषि में लागत जो है किसानों की बढ़ जाएगी, लेकिन वो एक तरह से मिथ जो है झूठ साबित होता है आज के ज़माने में। बल्कि कृषि यंत्रों के उपयोग से जो आपकी कृषि की लागत है वो ओवरऑल उल्टा कम ही होती है जी। तो लागत कम होना एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ही आपको, और हर एक किसान भाई चाहता है कि कृषि में लागत जितनी कम से कम हो तो उसका फ़ायदा दूसरी तरफ उतना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये तो एक सबसे बड़ा एक जो बेनिफिट है या फ़ायदा है कृषि में मशीनीकरण का। लेकिन इसके अलावा ये भी चीज़ें हैं कि सबसे बड़ी चीज़ एक और जो है समय की बचत जी। समय की बचत भी ऐसी है कि जहाँ से जो समय बचता है वो किसान अपने दूसरे उपयोगी कार्यों में भी उनका उपयोग कर सकता है। और दूसरा, यदि हम खरीफ की फसलों को छोड़ दें, लेकिन रबी और खरीफ के बीच में जो 15-20 दिनों का जो जिसको कहते हैं कि एक क्रिटिकल पीरियड होता है, एक बड़ा मुश्किल दौर होता है जिसमें 10 से 15 दिनों के बीच में ही आपको न सिर्फ फसल की कटाई करना है बल्कि अगली फसल की बुआई भी करना है। तो इस तरह के बहुत से काम होते हैं जो आपको 10 से 15 दिनों के गैप में या उस छोटी सी अवधि में करना होते हैं। तो उस अवधि में यदि मशीनों का उपयोग ना किया जाए तो फिर आपके जो ऑपरेशन से बाकी के जो सामयिक कार्य हैं आपके आगे के वो सब पिछड़ जाएंगे। और वो एक बार यदि पिछड़ जाते हैं, मान लिया कि यदि आपकी बुआई लेट हो जाती है, तो यदि बुआई एक या दो दिन भी लेट होती है, जो एग्रोनॉमिस्ट ने या सस्य विज्ञानियों ने जो डेट बताई है उससे यदि एक या दो दिन भी लेट होती है तो करीब करीब 1-2% तक आपके अगली फसल के उत्पादन पर भी फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सही। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को देखते हुए समय की बचत, लागत की बचत, श्रम की बचत और ओवरऑल मतलब मशीनीकरण का कुल मिला के फ़ायदा ही महत्व है। डॉक्टर साहब, हम हमारे जो दर्शक हैं उनको टेलीफोन नंबर बता देते हैं, जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं टीवी के माध्यम से कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन, तो वो आप प्रश्न कर सकते हैं सीधे जो है खासतौर से उन्नत कृषि यंत्रों के संबंध में आप जो है सवाल करें। डॉक्टर उदय बड़ेगांवकर जी जो है आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। और जो टेलीफोन नंबर जो है, एक हमारा टेलीफोन नंबर है 2660049 और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप टेलीफोन लगाएं और विषय से संबंधित आप प्रश्न करेंगे तो बहुत अच्छी बात है जी। डॉक्टर साहब, जो उन्नत कृषि यंत्रों की यदि बात की जाए तो आजकल जो है ख़ास तौर से बोनी के लिए जो विशेष यंत्र हैं और उन यंत्रों का उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं, लेकिन अब चूँकि समय जो है खरपतवार निकालने का है, तो हमारे किसान भाइयों को इस समय कौन कौन से उन्नतशील कृषि यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए? उन्नतशील कृषि यंत्रों की बात करें, चूँकि बुआई और निंदाई आप दोनों चीज़ें पूछ रहे हैं तो मैं दोनों का एक साथ ही किसान भाइयों की जानकारी के जवाब देना चाहूँगा। बुआई की मशीनें आपको ज़्यादातर किसान भाई जिनके पास ट्रैक्टर हैं, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है वो भी किराए पे मशीनों को लेते हैं और बुआई के काम को करवाते हैं। लेकिन अभी भी मैंने गांव में जाकर भी देखा है कि अभी भी जो सबसे ज़्यादा चलने वाली मशीनें हैं वो सिंपल सा ऑर्डनरी सा है, जिसको साधारण खाद बीज बोनी मशीन या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जिसको बोलते हैं, उसी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ा सा एक चीज़ और देखी है कि इसमें जो बीज की दर है, सीड रेट जो है, जो प्रति हेक्टेयर आपको जितनी बुआई करना चाहिए, जितने बीज की बुआई करना चाहिए, किसानों के लेवल पे या किसानों के स्तर पे जो बीज एक्चुअली बोया जाता है प्रति हेक्टेयर की दर से या जो बीज दर उनके द्वारा डाली जाती है वो एग्रोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई बीज दर से काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रैक्टिकल केसेस में मैंने देखा है कि जैसे सस्य विज्ञानियों ने या एग्रोनॉमिस्ट ने 60 kg प्रति हेक्टेयर का बीज दर यदि रिकमेंड किया हुआ है, अनुमोदित किया हुआ है, तो बजाय उसकी जगह पर किसान भाई जो हैं वो 80 या 100 kg प्रति हेक्टेयर तक की बुआई करते हैं। एक तो ये पक्ष है। डॉक्टर साहब,
एक टेलीफोन आ रहा है हमारे किसान भाई का, गौरव भंडारी जी है जी। गौरव जी आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में जी। गौरव जी आप सवाल करें। सौरभ गौरव जी आप प्रश्न करें अपना। सौरभ राठौर। गौरव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है या उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी। गौरव जी सौरभ सर सवाल करें आप। किसी कारण से गौरव जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। चलिए तब तक हम जो बुवाई मशीनों की बात कर रहा था मैं, तो आपने खासतौर पर नई तकनीकों के बारे में पूछा था, तो अभी भी मैंने एक चीज़ देखी है कि सीड ड्रिल और प्लांटर, सीड ड्रिल की जगह पर धीरे धीरे धीमे आजकल हमारे रिसर्च जो अनुसंधान संस्थान है उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्लांटर्स का विकास किया हुआ है। अब सीड ड्रिल और प्लांटर इन दोनों में यदि फर्क की मैं बात करूँ तो सीड ड्रिल जो होता है वो सिर्फ कतार से कतार की जो है दूरी वो मेंटेन करके चलता है। अच्छा। जबकि यदि आप प्लांटर की बात करें तो प्लांटर में न सिर्फ कतार से कतार की दूरी जबकि बीच से बीच की दूरी, अच्छा, ये भी खास तौर पे आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। हुँ। तो जब कतार से कतार और साथ में बीच से बीच दोनों की दूरी जब मेंटेन होती है तो ऐसे में जो बीज दर या सीड रेट आपकी होती है वो प्रति हेक्टेयर बहुत कम हो जाता है। प्रिसाइजली या एक्यूरेटली जितना एग्रोनॉमिस्ट लोगों ने बताया हुआ है या जो रिकमेंडेड है उसी के हिसाब से आप बुआई कर सकते हैं। और इस तरह की बुआई में जो बीज दर आपका प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नहीं जाए, प्रति हेक्टेयर केजी में नहीं जाएगा बल्कि उसको कहना चाहिए कि प्लांट पॉपुलेशन है, पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर कितनी है, 4 लाख या 5 लाख, तो इस हिसाब से पौधों की संख्या के हिसाब से आप बुआई कर सकते हैं। और इस तरह से जब प्लांटिंग होती है बीज से बीज की दूरी भी जब आप बाकायदा मेंटेन करके चलते हैं तो ऐसे में आपका जो जिसकी निंदाई की जो आप बात कर रहे थे तो निंदाई का ऑपरेशन भी जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है जी। दरअसल निंदाई जो आज भी हमारे यदि मध्य प्रदेश की बात करें या ओवरऑल हमारे देश की भी बात करें तो किसान भाइयों द्वारा जो बुआई की जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं उसमें नॉर्मली जो कतार से कतार की दूरी है काफ़ी कम रखते हैं। तो कम कतार से कतार की दूरी रखने पे और उसके अलावा बीच से बीच के बीच में कोई ज़्यादा फासला मेंटेन नहीं करते तो ऐसे में निंदाई का ऑपरेशन या निंदाई जो है वो इसी वजह से डिफ़िकल्ट होती है। यदि सारे किसान भाई जैसे सोयाबीन की हम बात करें 14 से 16 इंच के बीच में यदि दूरी मेंटेन करके चलें कतार से कतार की तो ऐसे में निंदाई की जो मशीनें हैं जी उनका ऑपरेशन उनका प्रचालन जो है ईजी हो जाएगा। जैसे कुछ संस्थानों द्वारा पावर वीडर इस तरह की एक तकनीक विकसित की गई है जिसमें एक छोटा सा इंजन चालित एक मशीन है तो उसके द्वारा आप निंदाई का ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तभी संभव हैं जबकि बीच से कतार के बीच की दूरी जो है आपने बाकायदा बोई मेंटेन की हुई हो जो 14 से 16 इंच या 18 इंच तक जो कहा जाता है। इसके अलावा यदि बीच से बीच की दूरी भी यदि आपने मेंटेन की होगी तो ऐसे केस में क्रॉस में भी यदि आप निंदाई का काम करना चाहें तो दोनों तरह से आप उस मशीन को चला सकते हैं। निंदाई काफ़ी जी डॉक्टर साहब आपने जो है निंदाई की बात की है, अभी अगर हम देखें तो कई किसान भाई जैसे सघन बोनी हो जाती है, सोयाबीन है कतार में जो है ज़्यादा सोयाबीन मात्रा में हो जाता है तो कभी कभी उनको निकालना भी पड़ता है, तो ये भी क्या निंदाई की प्रक्रिया में शामिल होता है क्या? ये इसको थिनिंग ऑपरेशन कहते हैं, छटाई होगा। ये छटाई के ऑपरेशन के लिए किसी तरह की मशीन तो वैसे उपलब्ध नहीं है, मैन्युअली होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो होगी वो यही होगा कि इसकी नौबत ही ना आने दी जाए। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं जो कह रहा था कि इस तरह के प्लांटिंग या प्लांटर जैसी मशीन है यदि इनका उपयोग करेंगे हम तो ये जो पौधे निकालने की बात आती है कि ज़्यादा सघन बुआई हो जाती है और उसके बाद में फिर हमें एक्स्ट्रा लेबर लगा के और इन पौधों को निकालना पड़ता है और उसमें एक तरह से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है अतिरिक्त खर्चा हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ही ये नई तकनीकें विकसित की गई हैं जिसमें आप प्लांटिंग जैसी मशीनों का यदि आप उपयोग करेंगे तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है और लागत और भी कम रखी जा सकती है। न सिर्फ ऑपरेशन की लागत कम हुई बल्कि चूँकि आप जो बीज है आपका जो एक नहायती कीमती सामान है जिसको कहना चाहिए कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपका खर्चा भी होता है, तो यदि 80 kg के बजाय यदि प्रति हेक्टेयर 60 किलो बोने में आपका काम चल रहा है, अच्छे से काम चल रहा है, तो 20 kg प्रति हेक्टेयर की जो बचत हुई वो भी आप एक तरह से आपके फायदे में सीधे सीधे। बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपको डॉक्टर साहब यदि इस समय धान की हम बात करें तो धान में भी जो खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ मशीनों का उपयोग किया जाता है तो धान के लिए कौन सी मशीन उपयोगी है?
धान के लिए खासतौर पर फिलहाल जो है वो मानव चली जाए, जिसको मैनुअल मशीन में कहूँगा, एक तरह का कोनो वीडर जो आता है, इसको हम कोनो वीडर कहते हैं। ये भी हमारे संस्थान के द्वारा विकसित किया गया यंत्र है। करीब ज़्यादा कीमत भी नहीं है इसकी, 1500 के आसपास कीमत आती है। और इसमें एक इस तरह के ड्रम दिए गए हैं ताकि ये ज़मीन पर आसानी से चलाया जा सके। तो ये कोनो वीडर चलाने के लिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी होगी कि खेत में पानी बकायदा भरा होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज यदि साधारण तरह के यदि आप निंदाई यंत्र चलाना चाहेंगे तो, चूँकि धान के खेत में हम जानते हैं कि कीचड़ मचाया हुआ होता है तो उस कीचड़ में वो यंत्र फंस सकता है। तो इसलिए ये कोनो वीडर का उपयोग खासतौर पे मैं कहूँगा कि कोनो वीडर का उपयोग करें धान के खेत से निंदाई करने के लिए। अच्छा, ये कोनो वीडर जो आपने नाम लिया है, तो ये यदि हमारे किसान भाई चाहते हैं कि कहीं से लाना चाहे, उपयोग करना चाहे, तो कहाँ पर उपलब्ध होगा? और स्पेशली हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने इनका जो कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय है, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के हमारे मध्य प्रदेश में, तो खासतौर पर दूसरे स्टेट्स में भी आप कोर्स कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनाए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के यदि मैं बात करूँ तो कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हर एक जिला केंद्र पर एक एक ऑफिस है। और इन कार्यालयों के द्वारा जो है इन यंत्रों का प्रदाय किए जाते हैं जी, जो कहते हैं कि अवेलेबल करवाए जाते हैं। यदि किसान भाई इनको किराए पे लेना चाहें तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालनालय के द्वारा जो है इन यंत्रों की भाड़ा किराए पे उपलब्ध कराने की लागत जो है वो भी निर्धारित दरों पे इनको उपलब्ध कराया जाता है। और उसके अलावा यदि खरीदना चाहें तो खरीदने के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है कि छोटे यंत्र जो हैं आप सीधे वहाँ से खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा हमारा संस्थान केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो नबीबाग भोपाल में स्थित है, यहाँ भी ये चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। किसान भाई यदि चाहें तो सीधे हमें ईमेल के द्वारा या चिट्ठी के द्वारा या इवन फ़ोन के द्वारा भी हमसे बात करके और हम उनको संपर्क कर सकते हैं, हम उन्हें प्रभारी भेजेंगे। यदि वो लेने आ सकते हैं तो आके डायरेक्ट डिलीवरी ले लें, या हमारे संस्थान द्वारा इवन ये भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है कि उनके दरवाजे पे वो यंत्र जो है ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब, हम हमारे दर्शकों को बताया गया, दर्शकों आज का जो विषय हमने रखा है उन्नत कृषि यंत्रों की उपयोगिता, इस संबंध में आप जो भी सवाल आप करना चाहें तो डॉक्टर साहब से जो है बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे जो किसान भाई हैं वो कृषि यंत्रों को यदि देखना चाहते हैं, उनका प्रदर्शन आप कहाँ किस तरह से करते हैं? क्योंकि कुछ नए यंत्र होते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती कि इनको कैसे चलाना है, इनका रखरखाव कैसे करना है, तो इसकी क्या व्यवस्था करते हैं? कृषि यंत्रों की जानकारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और ख़ासतौर पे इसीलिए न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार बल्कि हमारी भारत सरकार, जैसे हमारा संस्थान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत नहीं है, ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन दोनों ही जगह मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी विभागों की बात करें या हमारे विभागों की बात करें तो किसानों की जानकारी के लिए जितने भी प्रयत्न किए जा सकते हैं आप लोगों की जानकारी के लिए, ये दोनों ही लेवल पे काफ़ी जारी हैं। हमारे संस्थान में आपको कोई भी किसान भाई, आप में से कोई भी जो भी कार्यालयीन दिवस होता है, उस कार्यालयीन दिवस पे 10 से 5 के बीच में किसी भी समय इवन बिना इंटीमेशन के या बिना किसी पूर्व सूचना के भी आ सकता है। हमारे संस्थान में हम लोगों ने इन मशीनों के डिस्प्ले का प्रदर्शन का पूरा अरेंजमेंट, पूरी व्यवस्था की हुई है जहाँ पे ये किसान भाई देख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न समयों पर हम गाँवों में जाकर जब क्रॉप का सीज़न होता है, जब भी मौसम होता है, उन मौसमों में हम जाकर इन मशीनों का सजीव प्रदर्शन भी करते रहते हैं। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया हम जाकर विभिन्न प्रदर्शनी के आयोजन भी करते रहते हैं। इन प्रदर्शनियों में न सिर्फ ये जो नए कृषि उन्नत कृषि उपकरण जो विकसित किए गए हैं इनका डिस्प्ले किया जाता है, इनका प्रदर्शन भी किया जाता है। तो ये सारे बहुत से कार्यक्रम हैं सरकार के। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र भी हर एक ज़िले में सरकार ने स्थापित किए हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्रों से खासतौर पर मैं चाहूँगा कि किसान भाइयों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव रख सकें, जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कृषि विज्ञान केंद्रों में जो व्यवस्थाएं हैं किसानों को प्रशिक्षित करने की, उनको किसानों को जो है जो भी नई तकनीकी जानकारी होती है वो जो है इन केंद्रों के माध्यम से दी जाती है। अच्छा बड़े गाँव कर सर जी, आप एक चीज़ ये बताएं कि हमारे जो किसान भाई जो हैं इस समय यदि वो खरपतवार के लिए कुछ यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो खास तौर से कौन कौन से प्रमुख यंत्र हैं जो इस समय वो खरपतवार के लिए उपयोग में लाएंगे? जैसे खरपतवार के लिए क्योंकि सामूहिक तौर पे यदि देखा जाए तो सोयाबीन हो चाहे धान हो जो फसलें, इनमें जो है खरपतवार की मुख्य समस्या, खरपतवार की आपको मैं खुद भी समझता हूँ कि खरपतवार की बहुत बड़ी समस्या है। और खरपतवार की समस्या
का जो मशीनीकरण करना पड़ेगा, उस मशीनीकरण के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताई किसान भाइयों से, मेरा खास तौर पे अनुरोध होगा यदि उन्होंने इस साल नहीं किया हो तो कम से कम अगले साल जरूर करें कि कतार से कतार के बीच की दूरी जो है वो एक तो कतार पद्धति से बुआई करें और कतार से कतार के बीच की दूरी जैसा हमने कहा कि 14 से लेकर 18 इंच के बीच में इतने में मेंटेन करें। तो ऐसे में अलग अलग तकनीकें उपलब्ध हैं, जैसे एक तो मैनुअल तकनीक हो गई या मानव चलित यंत्रों का उपयोग हो गया, धान में यदि आप कोनो वीडर का उपयोग कर सकते हैं तो इसी तरह से सोयाबीन के केस में आप ट्विन व्हीलो वीडर या डोरा जो व्हीलो डोरा जिसको बोलते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बैलों से चलने वाले कृषि यंत्रों का उपयोग तो आपको किया ही जा सकता है, लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा 3.5 हॉर्स पावर के इंजन से चलने वाला पावर वीडर भी हमारे संस्थान ने विकसित किया गया है, जिसमें आप जो पावर वीडर है उसके ट्रैक यानी कि टायर से टायर के बीच की जो दूरी है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं और उसको आपकी खेत में आपने जो फसलों के कतार से कतार के बीच में जो दूरी रखी है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी मैं उसको कहूँगा कि उस यंत्र की अडाप्टेबिलिटी जो है ज़्यादा है, विभिन्न कतार से कतार की दूरी के लिए वो एप्लीकेबल है, उस यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। और उसके अलावा जो काफ़ी बड़े किसान हैं उनके लिए मैं खासतौर पर एक और सुझाव देना चाहूँगा कि यदि आप ट्रैक्टर से निंदाई करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, वो भी संभव है, लेकिन उस केस में आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा, आपको आपके ट्रैक्टर में जो रेगुलर टायर लगे होते हैं उन टायर्स की जगह पे दूसरी तरह के दो टायर्स आपको खरीदने पड़ेंगे जिन्हें नैरो व्हील कहा जाता है। तो यदि वो नैरो व्हील टायर आपका जो ट्रैक्टर है उसका जो रिम होगा उसी में ये नैरो व्हील टायर फिट हो जाते हैं, तो उस ट्रैक्टर में मतलब थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ा सा यदि नैरो व्हील टायर यदि आप फिट कर ले तो इवन ट्रैक्टर की सहायता से भी निंदाई की जा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर उदय जी, अभी कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो सोयाबीन है या दूसरी फसल है तो कटाई का जो है समय आने की जो है कगार पर रहेगा। खासतौर से किसान भाई कटाई के समय कई तरह का नुकसान उठा लेते हैं, तो उनको आप किस तरह से आप समझाइश देंगे ताकि वो जो है कटाई के दौरान फसलों का नुकसान ना हो और उन्नत जो मशीनें हैं उनका वो प्रयोग करने में सफल हो सके। जी हाँ, ये आपने जो सोयाबीन में खासतौर पे मतलब कटाई की जो बात की है, तो कटाई की जब बात निकलती है तो कटाई में नुकसान और कटाई में नुकसान की जहाँ तक बात है तो सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसमें कटाई के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। खरीफ की फसलों की यदि हम बात करें तो खासतौर पर हमारे क्षेत्र में जो फसलें हैं धान है, धान के अलावा उड़द मूंग और इसके अलावा सोयाबीन खासतौर पर मुख्य हमारी फसल है। धान की फसलों के लिए तो मशीनें उपलब्ध हैं, साथ साथ में सोयाबीन की फसल के लिए भी मशीनें उपलब्ध हैं। दोनों ही फसलों के केस में मशीनें कॉमन हैं। यदि मशीनों की उपलब्धता की बात करें तो अफकोर्स छोटे किसान जो हैं वो हसीए की सहायता से इसकी कटाई करते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने आपको पावर वीडर एक बताया कि जो छोटे इंजन से चलने वाला निंदाई के लिए यंत्र है, उसी तरह से कटाई के लिए भी हमारे संस्थान ने और उसके अलावा कई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो इस यंत्र को उपलब्ध करवाते हैं, जो 5 हॉर्स पावर के डीजल इंजन से चलने वाला छोटा सा पावर टिलर नुमा यंत्र है जिसकी सहायता से न सिर्फ आप सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं, धान की कटाई भी कर सकते हैं। ये मजले छोटे किसानों के लिए हैं जिनके पास ट्रैक्टर्स उपलब्ध नहीं है। यदि ट्रैक्टर आपके पास में उपलब्ध हैं तो बहुत से कृषि यंत्र निर्माता हैं जो वर्टिकल कन्वेयर रीपर जो ट्रैक्टर में सामने लगने वाला कटाई का यंत्र है 2 मीटर की चौड़ाई में वो कटाई करता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके आगे यदि आप और ज़्यादा बड़े किसान हैं तो आपका स्वयं अपना कंबाइन खरीद सकते हैं। कंबाइन नहीं खरीद सकते हैं तो आप यदि छोटे किसान हैं तो भी कंबाइन आज प्रचुर मात्रा में भाड़े पे भी उपलब्ध हैं, तो इवन छोटे से छोटा ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक हैं महेंद्र पटेल जी खंडवा से हमसे जुड़ रहे हैं। जी महेंद्र जी, आप सवाल करें, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। महेंद्र जी आप सवाल करें। जी महेंद्र जी आप सवाल करें, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। महेंद्र जी आप सवाल करें अपना, जो भी उन्नत कृषि यंत्र से संबंधित आपका सवाल है आप सवाल करें। प्याज की जो मशीन आती है सर। हेलो जी, प्याज उखाड़ने के लिए मशीन के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब। जी प्याज उखाड़ने के लिए जो मशीन है उसको हम ओनियन डिगर बोलते हैं। ये ओनियन डिगर भी हमारे संस्थान द्वारा विकसित किया गया है जी। तो इस 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से करीब चलने वाला ये यंत्र है, ट्रैक्टर के पीछे लगेगा और इसके अलावा इसको PTO के द्वारा ट्रैक्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा और इसमें
प्याज की खुदाई के लिए एक बेल्ट एक ब्लेड दिया हुआ है और प्याज की जो खुदाई करता चलेगा और जब प्याज खुदता है तो प्याज खुदने के बाद में ये अपने आप एक बेल्ट के ऊपर आएगा। दरअसल पीटीओ का उपयोग इसीलिए करते हैं ताकि इसके द्वारा एक लोहे वाला हमने एक बेल्ट उसमें लगाया हुआ है, तो प्याज खुदने के बाद में इस बेल्ट के ऊपर आएगा और बेल्ट के ऊपर करीब 1 मीटर की दूरी तक वो चलता हुआ इसके डिगर के पीछे की तरफ में गिर जाता है। तो ये 1 मीटर के डिस्टेंस में जब वो शेकिंग के रूप में इस बेल्ट के ऊपर चलता है तो उस समय प्याज उखाड़ने पे उसके साथ में जो मिट्टी होती है वो मिट्टी भी थोड़ी सी वाइब्रेशन की वजह से अलग हो जाती है। और इस तरह का मशीन है जो प्याज की खुदाई के लिए आप उपयोग में ला सकते हैं। इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए या कभी मशीन देखना चाहें तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे संस्थान में कभी भ्रमण के लिए आएँ, कभी विजिट करें तो आपको ये मशीन देखने को मिलेगी जिसको हम ट्रैक्टर ट्रॉन ओनियन डिगर बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि प्याज लगाने की या उखाड़ने की जो मशीन की बात करते हैं, मूंगफली के लिए भी क्या ऐसे यंत्र आ चुके हैं? क्योंकि पहले तो किसान भाई जो पारंपरिक तौर से बखर चला के निकालते थे। जी जी जी, मूंगफली के लिए भी इसी तरह की जिस तरह से आपका प्याज उखाड़ने के लिए मशीन है उसी तरह से मूँगफली उखाड़ने के लिए भी मशीन है। मूँगफली उखाड़ने के लिए बैलों से चलने वाला भी हमने छोटा मशीन बनाया हुआ है, लेकिन इसके अलावा ट्रैक्टर से चलने वाला बड़ा मशीन भी बनाया हुआ है जो मूँगफली को उखाड़ता जाएगा। और साथ में जैसा मैंने जो ऑपरेशन प्याज डिगिंग के ओनियन डिगर के केस में बताया है उसी तरह से वो मिट्टी को अलग करता जाएगा। इस तरह के डिगर विंड्रॉवर शेकर हैं जो मिट्टी को भी अलग करते हैं और साथ साथ में ताकि जब ऊंचाई से जब वो मशीन से वो फसल जब गिरेगी तो मिट्टी नीचे और उसके ऊपर फिर फसल गिरती है, तो इस तरह से लेबर के लिए उस फसल को जो ग्राउंड आपने जो मूँगफली की फसल जो खोदी है उसको ईजिली आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो मतलब ये यंत्रों का प्रयोग हमारे किसान भाई करें। तो डॉक्टर उदय बड़ेगांवकर जी, आप हमारे कार्यक्रम में, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों से बातचीत करके, उनके सवालों को उत्तर भी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान इस कार्यक्रम में आज आपने जो भी कुछ सुना समझा उसको जो है आप जो है अपने अनुभव में लाएँ, उससे जो है लाभ उठाएँ, और अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना,
चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर।